या देख दिया मम्मी कुछ है। दुनिया का माहौल ही खराब कर रहा है। लेट है 10 बजे तक, 10:11 बज गए यार। अब तक घर आया हूँ, मेरे को नींद आ रही है, क्या कर। भैया फिर से बोल, क्या बोल रहा तू भाई? तू उसका गिफ्ट चाहिए तेरे को? ओ बेटे, पहले बोल रही थी चल तू भी खाना खा, जैसे ही मैंने व्लॉग में दिखाया बोल रही चल तू भी, चल तू तुम भी खाना खाओ, बढ़िया है। अब मैं तेरी वीडियो डाल दूंगा। बोल बे, तू मेरे बिना नहीं रह पा रही क्या? अब जाके उठा हूँ, अभी 12 बजे मेरी मॉर्निंग हो रही है एक्चुअली। सो हेलो ऑडियंस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। जैसे कि आपको पता है जब हम घर में रहते हैं हमें कुल नींद ही आती है, और मेरे साथ वही हो रहा है। लुक चेक आउट दिस व्यू मेरे घर की बाहर की, सुंदर। और मैं फटाफट फ्रेश अप होता हूँ, लाइक मुँह हाथ वगैरह धुलता हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करना है दिवाली वाला। होप सो आपको पसंद आ रहे होंगे व्लॉग्स। सब्सक्राइब माई यूट्यूब एंड तो रे हम आते हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना ला गई। और मैं घर का नाश्ता करता हूँ यार, कब से नहीं खाया इतना टेस्टी टेस्टी। 1 2 3 वो मैंने तेको बोला बॉच दिलाई। सो आई थिंक डब्बू भैया को एक वॉच चाहिए थी ना, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। तो अभी मैंने डब्बू भैया को, तो डब्बू भैया इतना खुश हो रहा था, कैसे कर रहा ऐसे ऐसे कुछ एक्टिंग कर रहा था। अब मैं डाल दूंगा। तो ये मेरे से मिलना आ रही थी, हाय बोलो। ए, आप जानते हो गए शैतान बच्चे जो आते थे, ये देखो दादी पानी दे दो। कितना पानी पियोगे भाई, आपका इतना सा पेट है, कितना पानी पियोगे इस पेट में? जितना मेरा मन करेगा भाई। मम्मी खतरनाक हो रही थी ना, कुछ खिला रही, कभी कुछ खिला रही, अभी बोले केला भी खा ले। दे दे यार, वहाँ पे वैसे भी कोई पूछता नहीं है, कभी कोई गुगू पूछती है, और मुझे और कोई नहीं, मम्मी यहाँ पे पूछने लगी, पूछने ही खा ही लेता हूँ। थोड़ा धूप में जा रहे तो यार केला खाता हूँ पहले, फिर करता हूँ। धूप भी लेना बहुत जरूरी है यार, यहाँ पे तो ठंडा होने लग गया। आपके यहाँ पे ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसे ही मैंने फटाफट केला खाया, वैसे मुझे दिखी एक दो गाय, एक भी नहीं दो गाय। तो मैं फटाफट दोनों को आधा आधा दिया, क्योंकि एक के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता, इसको दोनों को दिया, फिर ये सब हो गया डन। अब दिखा मुझे ये बंदर, आप इसको देख रहे हो, आपको पता ये वही बंदर है, इसने एक अंकल के ना बाल खींचे थे, मैं यही सोच रहा मेरे ना खींचे कहीं। मुझे ना ऐसे ही याद आया, मेरे को लगा मुझे आपको बताना चाहिए। आपको मुझे डायरी लिखने का पहले से काफ़ी शौक था, तो ये सारी आप जितने देख रहे हैं ना छोटी छोटी छोटी, ये सब मेरी डायरीज हैं। लाइक ये देखो, बचपन में मैं ऐसे कुछ लिखता था, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ऐसे देख सकते हैं, ये छोटे में लिखता था सब में, ये सारा ये देखो, ये मैंने बनाई थी ना, नो कॉम्प्लीमेंट्स नो डिमांड, वो मूवी नहीं थी तो देखे लाइफ इज यूजिंग। आपको भी है क्या लिखने का शौक? अगर नहीं है तो आपके मन में कोई भी थॉट्स आते हैं तो आप इसमें लिख सकते हो। हाँ, आप लिख सकते हो। कौन सा गाना लिखा हुआ है पूरा? मुझे ना ये गाना बहुत पसंद था, आई फाउंड द गर्ल, आई फाउंड द लव फॉर मी डार्लिंग, जस्ट टेल मी इनटू एंड फॉलो माय लीड, आई फाउंड द गर्ल, आई फाउंड द बॉय, ये वाला गाना था। तो ये लिखा था, मुझे अच्छा लगता था ये गाना, मुझे ना ऐसे ही कुछ मिलना चाहिए ना। ओके मैं कुछ और भी लिख रहा था, तो मैं बताता रहूँगा आपको। दिए था इधर चीज़ें, आपको पता है इन डायरी में मैंने ना अपने ना ड्रीम्स लिखे हैं, मुझे क्या क्या करना है अपनों के लिए, क्या क्या है मतलब। अब वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके पूरे हो रहे, मुझे इतना खुशी हो रहा है ना। आज मैं पढ़ो बंद हो जाओ, मेरे को व्लॉग में वो मिल जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऑडियंस, यू आर सो अच्छा, थैंक यू। बचपन में ना, यहाँ देखो एल्बम, ये है 2017 की बात है, मैं ना टाइम टेबल लिखा करता था 6 to 8 स्टडी। सच बताना आप भी करते हो ना ऐसे, और पता मैंने कभी मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चला हूँ। भाई साहब मस्त क्यों? मम्मी इतनी खतरनाक बात बोली, फिर से बोल मम्मी क्या बोली तू? ना पहले एक तो खत्म हो जाए मेरी दाल, बोल रही बहुत पतली होके आ रही है तू की। अब यार अभी हम बड़े हो रहे हैं यार, अब थोड़े पतले पतले तो चलता है, क्यों डार्लिंग्स? तुम्हें डाई
अंडा फिर कैसे है, मोटे या पतले? ठीक ठाक। अरे बेचारे चले गए वापस देहरादून, मैं नहीं गया, मैं मम्मी के साथ ही रुक गया अभी 4-5 दिन, क्योंकि मुझे मम्मी के साथ रहना है ना। और यहाँ पे आए, मुझे आपको एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी क्या मतलब, मेरी लाइफ का एक स्टेप आगे हो गया है कि क्या करना है, मतलब अभी लाइफ में और चीज़ें भी हैं तो मैं आपको बताऊँगा, जल्दी बता दूँ मम्मी ने। तो आर्टियंस मैंने ना फाइनली खा लिया, मैं एक ही कटोरा खा सका, वो मम्मी बैठी है खा रही है, मैं थोड़ा सोऊंगा फिर, आज ज्यादा कुछ नहीं आएगा फिर व्लॉग में। फिर से बोल। मम्मी मम्मी बोली आज मैंने तेरे को दूध नहीं पिलाया, पता है सुबह से शाम को हो गई, मम्मी पता ही नहीं चल रहा ना। मम्मी ने दिन में कभी सोती नहीं थी, मैंने मम्मी को अपने साथ ही सुला दिया आज। बोल रही मैं घूमने जाती थी, शाम को तूने मुझे अपने साथ सुला दिया, तो हम अभी उठे तो मम्मी मुझे ना चाय पिला रही है, बोल रही कि आज मैंने तेरे को दूध नहीं दिया तो मैं तेरे को दूध की चाय बनाई है खतरनाक सी की। आ बैठ ना माँ, बोल रही काम करती हूँ, रोटी वोटी बनाएगी ना। मेरी मम्मी का हाथ कट गया ये, और ये ना मुझे आटा भी नहीं गूंथने गूंथने दे रही, बोल रही कि नहीं गूंथना है तूने कि मैं ही गूंथूंगी, बोल रही बैंडेज लगा दे, लाना मैं गूंथता। ये देखो अच्छा सिवाई बनाना है, वैसे मेरे को काम नहीं करने देती है, आपकी मम्मी भी करती होगी ना आपको ऐसे पंपर, तभी तो मैं इतना शैतान हूँ। मैं शैतान नहीं हूँ यार, शैतान हूँ मैं, बट मेरी मम्मी लोगों को अच्छा लगता है जब मैं शैतानी करता हूँ। और मेरे ये मेरे बच्चों से मिलो, इस पे लिखा हग मी, मम्मी ले इसको पप्पी दे, ये शर्मा रही है, आप छुप छुप के देगी देखना। मेरा एक वो था ना पोकेमोन, मेरी मम्मी ना उसके साथ सोती थी ना, मैं फोटो अपलोड करूंगा देखना। ये देखो और फरमाओ ये कौन है, सारा पिचका दिया। जब मैं ले जा रहा था तो उसने मुझे ले जाने नहीं दिया क्योंकि वो मेरी याद में, ताकि मैं उसके साथ सूंगी, पर मैं ले गया क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आ रही थी ना। ये सब कुछ खाना वाना डन कर दिया, आज मैं घर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जितना कुछ कर पाया मैंने रिकॉर्ड किया। होप यू आर लाइकिंग माई व्लॉग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम सो रहे हैं, मतलब मम्मी सो रही है, मैं कर रहा हूँ व्लॉग एडिट। दो कंबल, मम्मी को इतनी ठंड लगने लगी, बोल रही मैं पर दो कंबल रखो, चलो बाय बाय मैं इसको रखता हूँ फिर बताता हूँ। आज चेंज अभी जाके 12 बज के, लाइक कितना हो रहा अभी देखो, 12:09 पे मैंने 1 घंटे मतलब 2 घंटे से अब जाके मेरा व्लॉग एडिट हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, और मुझे बाहर जाने में डर लगता है, मैं मम्मी को उठाऊँ उठाता हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत डर लगता है बाहर जाने में। मम्मी मम्मी मुझे चुचू आ रहा है, उठ जाना, चल चल चले चल उठना, थैंक यू चल ओके। सो आर्टियंस डर क्यों नहीं लगेगा आपको, तो यहाँ देखो यहीं पे नदी किनारे है, और ना यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है, तो इसलिए मैं मम्मी को लेके आता हूँ अपने साथ। सो आर्टियंस आप वो देख सकते हैं वहाँ पे ना, वहाँ पे मम्मी कुछ है। क्या देख दिया, प्रैंक किया मैंने तुम पे। सो आर्टियंस मम्मी बोल रही ऐसे क्या कर दिए, तो ऐसे नहीं करते, तो मैंने बोला मम्मी व्लॉग के लिए करना पड़ता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं तभी जाके तो आप देखते हो, नहीं तो आप मेरे व्लॉग ही नहीं देखते हो, तो मुझे करना पड़ा, मैं फाइनली सो रहा हूँ। हाँ 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 चलो ओके बाय बाय शोता।